लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल एग्जाम्पल साइजिंग ये जो इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेस पर हम डिवेलप uh, करेंगे लॉट साइज़ तो उसको हम फिर से एक और एग्ज़ाम्पल uh, में देखते हैं ये सेकेंड एग्जाम्पल लॉट फॉर लॉट के लिए भी हमने यही डाटा यूज़ किया था तो इधर भी इसी डेटा को हम यूज़ करेंगे uh, इसके अंदर एक्स वाई जी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहती है जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हैं और इसके अंदर ई ओ क्यू ऑर्डरिंग मैथड यूज़ किया जाएगा जो कि हमने इकनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी का मैथड है मॉडल है जो कि हमने, हमने यूज़ किया है इन्वेंट्री के अंदर डेटा जो है डेट इज़ बेसिकली टेन वीक के ऊपर के है और इसके अंदर वही थर्टी फाइव थर्टी फोर्टी फर्स्ट थ्री वीक्स के अंदर ऑर्डर्स हैं वीकली फोर्थ वीक में कोई नहीं है फिर फिफ्थ में टेन है सिक्स में फोर्टी है सेवन में थर्टी है एट्थ में अगेन कोई नहीं है एंड नाइन्थ के अंदर थर्टी एंड टेंथ में फिफ्टी फाइव का ऑर्डर ये रिक्वायरमेंट है ऑर्डरिंग कॉस्ट हंड्रेड डॉलर पर ऑर्डर है जबकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वन डॉलर पर यूनिट पर वीक के बेसिस के ऊपर है और एवरेज जो रिक्वायरमेंट है इट कम्स टू ट्वेंटी सेवन यूनिट तो इस बेसिस के ऊपर हमने इकोनॉमिक लॉट साइज कैलकुलेट करनी है जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के, के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे इस केस के अंदर जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि सी पी इज़ हंड्रेड एंड एवरेज रिक्वायरमेंट इज़ ट्वेंटी सेवन पर वीक और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो वन डॉलर है तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी थ्री यूनिट्स आता है कैलकुलेशन होकर तो हमारी जो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सेवेंटी थ्री यूनिट्स का करना है इस केस में तो इसको अगर हम देखें तो क्या कॉस्ट बनती है उस बेसिस के ऊपर अब हम सेवेंटी थ्री का अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फर्स्ट वीक में सेवेंटी थ्री का किया तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी 73 थ्री है थर्टी फाइव यूनिट्स उसमें कंज्यूम हुए तो थर्टी एट हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री फर्स्ट वीक में है यही हमने यूज़ किया सेकंड के लिए तो उसमें से बिगनिंग इन्वेंटरी सेकंड की थर्टी एट है थर्टी यूज़ हो गए तो हमारे पास एट बच गए एंडिंग इन्वेंटरी ये एट तो थर्ड वीक के अंदर क्योंकि अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो 73 थ्री का हमने ऑर्डर प्लेस किया इस बेसिस के ऊपर सेवेंटी थ्री प्लस एट ये एटी वन बन जाता है तो टोटल बिगनिंग इन्वेंटरी एटी वन की है उसमें से फोटी कंज्यूम हुए तो फोर्टी वन रह गए फोर्थ वीक में कोई नहीं हमें चाहिए था तो वो फोर्टी वन कैरी ऑन किया बिगनिंग और इन्वेंट्री दोनों फोर्टी वन है फिफ्थ वीक के अंदर फोर्टी वन बिगनिंग इन्वेंट्री है दस उसमें से कंज्यूम हुए क्योंकि फिफ्थ वीक में टेन की रिक्वायरमेंट है तो थर्टी वन हमारी एंडिंग इन्वेंट्री रह गई नेक्स्ट सिक्स वीक में फोर्टी की रिक्वायरमेंट है अब हम हमारे पास थर्टी वन है तो वो मीट नहीं कर सकते तो फिर सेवेंटी थ्री अगेन हमने ऑर्डर क्वांटिटी जनरेट की तो 73 प्लस 31 इज 104 व्हिच विच इज़ द बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस 40 गिव्स ऑफ 64 एंडिंग इन्वेंट्री सेवंथ वीक के अंदर बिगनिंग इन्वेंट्री 64 है और एंडिंग इन्वेंट्री 34 है एट्थ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए 34 कैरी ऑन करेगा एंड नाइन्थ के अंदर बिगनिंग विल बी 34 एंडिंग 4 अगेन वी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 73 और उसके बेसिस के ऊपर बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी सेवेंटी सेवन है टेंथ वीक की और एंडिंग ट्वेंटी टू है ना अगर हम देखें तो वी हैव फोर सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम्स जबकि एवरेज इन्वेंट्री है वो हमारी बनती है नाइन हंड्रेड एंड फोर डिवाइड बाई टू ये क्योंकि टोटल अगर हम बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को करें सम तो वो नाइन हंड्रेड एंड फोर बनती है उसको टू से डिवाइड किया तो वो एवरेज इन्वेंट्री बन गई मल्टीप्लाई बाय वन गिव्स अस 452 टोटल हमारा आ रहा है 852 लॉट फॉर लॉट के अंदर 950 था तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेथड है इट इज गिविंग अ बेटर कॉस्ट कंपेयर टू लॉट फॉर लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम